नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, इस समय हम लोग यूपीपीसीएस के सीसेट को कर रहे हैं और सीसेट को लेकर के मैंने कई बार कहा, इनफैक्ट हर क्लास में आपसे यही कहा है कि सीसेट को आप लोग प्लीज इग्नोर मत करिएगा। सीसेट दरअसल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अपने आप पे, और उसमें क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट इसमें जो है आते हैं, ऐसे में आपके लिए हर विषयों पर आपकी पकड़ का होना बहुत जरूरी है। और अगर यदि आप सीसेट में फेल हो जाते हैं, यानी कि जो मिनिमम जो मार्क्स होते हैं, यानी कि जो परसेंटेज है 33%, अगर आप उसको नहीं हासिल करते हैं तो आप जो है भले ही जीएस यानी पेपर फर्स्ट में आपने भले ही कट ऑफ को टच कर लिया होगा, बावजूद इसके यदि आप सीसेट में फेल हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। तो हम लोग अभी जो है पीवाईक्यूज को कर रहे हैं पीसीएस के, और पीसीएस के पीवाईक्यूज को लेकर के हमने ऑलरेडी चीजें आपको सब बता रखी सीसेट को लेकर के कि किन किन सेक्शंस पे आपको फोकस करना है, कैसे कैसे फोकस करना है, सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सीसेट की स्ट्रेटेजी वीडियो भी हमने बताई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और दो चार दिनों में क्या करेंगे, सीसेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इंग्लिश में क्या तैयार करना है, हिंदी में किन पर फोकस करना है आपको, कम्युनिकेशन पर किस पर फोकस करना है, ये सारी चीजों पर हम लोग जो है एक दिन क्या करेंगे, एक अलग से टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूंगा। वहां पर आप जाकर के उस वीडियो को देख करके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप फोकस कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जहां पर समझाना होगा वहां पर समझा दिया जाएगा, जहां पर चीजें जो है नहीं समझाने वाली होंगी, टू द पॉइंट वाली होंगी, वहां पर आप लोग क्या करिएगा, टू द पॉइंट वाले पॉइंट को अपने कॉपी में एज ए नोट्स फॉर्म में आप उसको क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हिंदी के प्रश्न से आज की स्टार्टिंग है हमारी। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि कौन सा सही लिखा है। तो लब्ध प्रतिष्ठा है, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठा है, लब्ध प्रतिष्ठा है, या फिर लब्ध प्रतिष्ठा है। तो इसमें से भाई साहब जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जरा मुझे फटाफट आप लोग बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा था, जो राइट आंसर है इसका भाई साहब, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लब्ध प्रतिष्ठा। ये क्या है, शुद्ध है, अर्थात ये सही लिखा है। बाकी के जो ऑप्शंस बचते हैं आपके पास, ये क्या है, रॉन्ग है, अर्थात क्या है, गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है, और देखो अब अविकारी और विकारी शब्द हमने पहली या दूसरी क्लास में समझाया था, मैं आज फिर से नहीं समझाऊंगा हर दिन, क्योंकि हर दिन मैं आपको समझाऊं ये सही नहीं है। अविकारी और विकारी शब्द क्या होते हैं, मैंने पहले भी कहा था, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में जाकर के, यदि नहीं आता है तो अपनी बुक्स को खोलो और वहां पर देखो कि विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो अविकारी शब्द बेसिकली क्या है, जो सर्वनाम है, क्या जो सर्वनाम है ये बेसिकली क्या है, ये अविकारी शब्द नहीं है, ये क्या है भाई साहब, ये है आपका क्या, विकारी शब्द है, ध्यान रखिएगा। और जो बाकी आपके जो बचते हैं क्रिया विशेषण संबंध सूचक संबंध बोधक, ये क्या हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, अविकारी शब्दों में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अविकारी और विकारी जो होते हैं उनकी परिभाषा अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करिए, अदरवाइज आप अपनी बुक खोल करके उसको पढ़िए। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं इसको। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है, यानी कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पतंग का एक अर्थ नहीं है, क्या नहीं है, बादल, नाव, चंग या पक्षी। तो बादल जो होता है वो बादल बेसिकली जो पतंग का है वो अर्थ नहीं है, बाकी के बाकी तीनों के तीनों हैं अर्थ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम कौन सा है, आम, काष्ट, हाथ या दूध, बताओ भाई साहब, बहुत आसान है। तत्सम शब्द बेसिकली आप लोग जानते होंगे संस्कृत का जो मूल होता है, जो रियल शब्द होता है तत्सम होता है, जो अपभ्रंश हो जाता है या जो उससे अलग हो जाता है वो बेसिकली तद्धो शब्दों में आता है। तत्सम तद्धो आपके आरओ एआरओ की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप लोग तद्धो और तत्सम को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ओके, तो तत्सम शब्द क्या है इसमें, तत्सम शब्द भाई साहब कास्ट है इसमें, क्या, कास्ट। बाकी आम क्या है, तद्धो है, और आम का तत्सम क्या होगा बताओ मुझे फटाफट जल्दी जल्दी, तो आम का तो तत्सम होगा वो हो जाएगा आम्र, क्या हो जाएगा, आम्र। और हाथ का तत्सम क्या होगा बताओ मुझे जल्दी जल्दी, हाथ का तत्सम होगा हस्त, क्या, हस्त, यही ना होगा, सही बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं सही, दूध। दूध का तत्सम क्या होगा भाई साहब, दूध का तत्सम होगा दुग्ध, क्या, दुग्ध। ठीक है, दुग्ध, ठीक। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है ये तीन के तीनों शब्द, और कास्ट क्या है आपका,
जो है तत्सम शब्द है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, बताओ भैया जी लोग इसका क्या होगा सही उत्तर, बताओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्युक्त। क्या हो जाएगा? प्रत्युक्त, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रत्युक्त मतलब क्या होता है कि जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया हो, और एक शब्द यहां पर क्या है? प्रत्युत्तर। तो प्रत्युत्तर मतलब क्या होता है? क्या प्रत्युत्तर मतलब क्या होता है? यानी कि किसी जो है उत्तर को उत्तर देकर के उसका हम क्या करें, उसका जवाब दें। प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले हम कोई उत्तर दें, प्रत्युत्तर है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, जो है प्रत्युत्तर बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। कौन? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक वाक्य जो है शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। वह सातवें कक्षा में पढ़ता है, बताओ सातवें कक्षा। देखो यही शब्द यहां पर गलत है, इसका मतलब यहां पर सातवां नहीं, यहां पर क्या होगा, सातवीं कक्षा होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, क्या है, गलत है। दूसरा, सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, तो यहां पर घाट नहीं होगा, शब्द घाट की जगह पर क्या आएगा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर के, कि यहां पर घाट की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। देखते हैं कि आपकी हिंदी कितनी बेहतर है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं निवासी होंगे, निश्चित तौर पर आपकी हिंदी बेहतर होगी। और आजकल तो है सरयू घाट, ये घाट, वो घाट, बहुत जाते होंगे आप लोग, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहां पर एग्जैक्ट क्या होगा। इसके अलावा, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, इसमें भी एक शब्द क्या है, वह नहीं होगा बल्कि ये होगा, वे होगा यहां पर। तो ये वाला भी सेंटेंस क्या आपका गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। अब इसको पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, अगर ऊपर के तीन गलत हो गए दैट मीन्स कि फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, क्या है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, बस ठीक है, यही क्या है सही उत्तर है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब देखो आपको मिलान करना है इनमें से मुहावरों तथा इसके अर्थ को सुमेल कीजिए, सही विकल्प का क्या करना है आपको, चयन करना है, यानी कि आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा शब्द जो है आपका इससे, यानी कि मुहावरा मैच करता है। छाती लगाना, बताओ भैया बहुत आसान सा है ये, छाती लगाना, इसका जो है अर्थ एग्जैक्ट क्या होगा बताओ मुझे फटाफट फटाफट। तो का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, यानी कि आलिंगन करना, यानी कि का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आलिंगन करना। तो अब देखो कि का दा किस वाले ऑप्शन में है, तो का दा जो है ए वाले ऑप्शन में है, और का दा जो बेसिकली सी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। यानी कि अब ये वाला तो नहीं होगा, कट कर दो इसको, और इसको भी क्या कर दो, कट कर दो, यानी कि ऑप्शन बचे आपका ए वाला बचा और सी वाला बचता है। अब आगे देखो, मिलाओ, ठीक है, तो अब बचता है आपका खा वाला, छाती पर सांप लोटना। क्या? छाती पर सांप लोटना, इसका अर्थ क्या होता है? तो छाती पर सांप लोटना का अर्थ होता है ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। तो खा का हो जाएगा सा वाला। तो देखो खा में का सा किस में है, तो खा का सा भैया खा का सा इसमें है। अब देखो, पहला दो तो कट गए थे आपके, बी वाला और डी वाला कट गया था, दो बजे थे, ए वाला बजा था और सी वाला बजा था। तो अब दूसरे ऑप्शन में सी वाला क्या कर गया, मैच कर गया, ए वाला मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब दो ऑप्शन अगर पता थे आपको तो आप कहोगे कि भैया सी वाला क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कंफर्मेशन के लिए आप चाहो तो एक तीसरा और मैच कर सकते हो। तो अगर दो में से देखो कौन सा आपको पता है, छाती उमड़ना, छाती उमड़ना का क्या हो जाएगा, छाती उमड़ना का हो जाएगा भैया प्रसन्नता से फूले न समाना, यानी कि गा का क्या हो जाएगा, आ। तो गा का देखो आ कहां पर है, गा का आ धोए यहां पर है, यानी कि ये वाला। ओवरऑल सी वाला ही क्या हो जाएगा भैया, सही उत्तर हो जाएगा। अब बचता है आपका ए, यानी कि छाती फटना, इसका मतलब बहुत दुख या वेदना होना, छाती फटना यानी कि बहुत कष्ट हो जाना अपने आप में, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। इसको फटाफट आप इसको इससे मैच कर लीजिए, गया वाला, ठीक है। चलो सही है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में प्रणार्थक क्रिया कौन सी है, प्रणार्थक, तो चलना, दिलवाना, जीना, लिखना। देखो मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो, ठीक है, प्रणार्थक क्रिया के बारे में, जिसमें कर्ता द्वारा कोई कार्य करवाया जाता है, जैसे मैं आपसे किताब पढ़वाना चाह रहा हूं, ठीक है, लिखवाना, दिलवाना, ठीक है, ये सब क्या है, प्रणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कि दिलवाना, क्या, दिलवाना। अगर यहां पर लिखना की जगह पर लिखवाना होता,
अगर यहां पर क्या होता, लिखना की जगह पर लिखवाना होता तो ये प्रणार्थक हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है, लिखना है, ठीक है, क्या है, कर्ता स्वयं लिखेगा, ठीक है, तो लिखेगा, लेकिन यहां पर क्या है, दिलवाना, कोई चीज किसी से दिलवाई जा रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, अर्थात जिसमें कर्ता के द्वारा कोई कार्य किसी के साथ करवाया जाता है, ठीक है, बात समझ गए, चलो जस्ट आपको समझना है, बहुत ज्यादा घुसना नहीं है दिमाग के, एकदम व्याकरण के एकदम अंदर घुस जा करके एकदम से पूरा हिंदी की पकड़ बना लो, ऐसा नहीं है, आपकी आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना, ओके, चलो। आदर्शिका का तद्भव है, क्या हो जाएगा, आदर्शिका का तद्भव भैया जी क्या हो जाएगा, मुझे बताओ फटाफट इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर बताओ क्या हो जाएगा, तो आदर्शिका का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, आरसी, क्या हो जाएगा, आरसी, ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अब मुझे बताओ कि जो अदरक है, अदरक का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अदरक का हो जाएगा अदरक, क्या, अदरक, ठीक, और आंच क्या क्या हो जाएगा, आंच का, आंच का क्या हो जाएगा भैया जी, लोग बताओ मुझे, आंच का हो जाएगा अर्ची, क्या हो जाएगा, अर्ची, आंच का अर्ची, ठीक है, तो यहां पर कर दो आंच का अर्ची कर दो, ठीक, बस हो गया आपका, ओके, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, बताओ भैया कौन सा तालव्य नहीं है, चा, झा, का या छा, तालव्य कौन सा इसमें से नहीं है, तो इसमें से तालव्य का नहीं है, और तो फिर का क्या है, का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा कंठ, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा इसका, ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है। और अब जो बचा चा, झा, छा, यानी कि चा, छा, जा, ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा, ये हो जाएगा तालव्य, जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये हो जाएगा तीनों तालव्य, ठीक है, तालव्य। देखो उच्चारण स्थान से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में क्या हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो उच्चारण स्थान के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी जो है होनी चाहिए, याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है नेक्स्ट है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य का, बताओ भैया अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, और पर्यायवाची आपके आरओ एआर वाले एग्जाम में भी आता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है, तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कांतार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्या, कांतार, सी क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। और इसके अलावा अरण्य के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो हो जाएगा विटप, कानन, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब अरण्य के और पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, वन, ठीक है, ये सब हो जाएंगे किसके, अरण्य के अन्य पर्यायवाची, ओके, आगे बढ़ो, ठीक है, इसको नोट कर लेना कहीं अच्छे से, क्योंकि बार बार पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंध संबंधित होगा, हलंत संबंधित कर दिया, बंधित कर दिया, ठीक है, हलंत संबंधित अशुद्धि है, यानी कि जो चार शब्द दिए गए हैं इसमें से एक शब्द में हलंत की क्या है, अशुद्धि है, यानी वहां पर हलंत नहीं लगना चाहिए, कौन सा शब्द है, श्रीमान, परिषद, देखो श्रीमान तो जानते होंगे लगता ही लगता है, परिषद भी लगता है, सम्राट शायद ये आपको लग रहा होगा गलत है, या श्रीयुत भी आपको सही लग रहा होगा, नहीं, लेकिन ऑप्शन सी वाला ही सही, यानी कि श्रीयुत में क्या है, हलंत संबंधी क्या है, अशुद्धि है, यानी कि इसको हम सही से लिखेंगे, इसको लिखेंगे श्री युत, बस बात खत्म, यहां पर यानी कि हलंत क्या होगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना, पूछा है कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध है ये, बाकी के ये तीनों क्या हैं, ये तीन के तीनों क्या हैं, राइट हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है, किन्नर का संधि विच्छेद कौन सा है, किम प्लस नर, किन प्लस अर, किन प्लस नर, कित प्लस नर, तो ये हो जाएगा भैया किम प्लस नर, और बताओ किम प्लस नर यानी कि इस किन्नर में बेसिकली कौन सी संधि विच्छेद है, तो इसमें भैया व्यंजन संधि, कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है, कौन सी, व्यंजन संधि है, और मुझे बताओ कि व्यंजन संधि में क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि संधि में आपको तैयार करना है कौन कौन सी, व्यंजन संधि, स्वर संधि तैयार करनी है, समास में आपको कर्मधारय, द्विग और दंड समाय और अव्यय भाव समास तैयार करने हैं, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है,
तो बहुत आसान सा शब्द है ये, बेसिकली किसे से हुआ है, शौर सैनी से हुआ है, किसे, शौर सैनी से हुआ है। और शौर सैनी में और क्या क्या आ जाएगा, तो शौर सैनी में आपका पश्चिमी हिंदी आ जाएगी, ब्रज भाषा आ जाएगा, खड़ी बोली आ जाएगी, ये सारी भाषाएं शौर सैनी में आती हैं। और बताओ मुझे कि मागधी में क्या आ जाएगा, मागधी में क्या आएगा, तो मागधी में आ जाएगा आपका क्या क्या आ जाएगा, मागधी में आपका आ जाएगा बिहारी, बंगाली, ये सब किसमें आ जाएगा, ये सब आ जाएगा मागधी में। और बताओ पैसाची में कौन कौन सी आएंगी लैंग्वेजेस, मुझे फटाफट बताओ कि पैसाची में क्या कौन कौन सी लैंग्वेज आएंगी, मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे। चलो मागधी अक्सर पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया, शौर सैनी को आपको मालूम होना चाहिए प्लस मागधी को, और पैसाची वाला आप मुझे बताओ कि पैसाची में कौन कौन सी आएंगे, ठीक है। चलो तत्सम तद्धो शब्दों का कौन सा युग्म बेसिकली क्या है, असंगत है, यानी कि मैच नहीं करता है, ऐसा कौन सा जो है क्या है युग्म है, इसमें आपको बताना है। फटाफट मुझे जो है आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो छत्र या छत, चैत्र या चैत, चक्र या चक्का, पत्र या पण, क्या पूछा है, पूछा है तत्सम तद्भो, यानी कि पहला शब्द क्या होना चाहिए, तत्सम होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, तद्भो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पूछा है, कौन सा युग्म असंगत है, तो डी वाला, यानी कि क्या, डी, ये हो जाएगा डी, ठीक है, डी वाला क्या है, गलत है। तो पत्रा का, पत्ता का क्या होगा, पत्तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अब आपके सामने हिंदी का पैराग्राफ है, यानी कि आपके पास कॉम्प्रिहेंशन है, इसका आपको उत्तर देना है, यानी कि 16 से लेकर के 20 तक, यानी कि 16 से लेकर के 20 तक जो है आपको इसका आंसर देना है प्रश्नों का, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट हम लोग, पैराग्राफ क्या है कि अच्छा पैराग्राफ को पढ़ो आप लोग, उसके पहले मैंने आपको बता दूं, मैंने पहले भी हालांकि बताया है कई बार कि आपको बेसिकली क्या करना है, ऐसे चीजों पर आपको विशेष तौर पर क्या करना है, फोकस करना है, यानी कि कहीं भी आपको गलती ना हो इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक पैराग्राफ को पढ़ना होगा, चाहे वो पैराग्राफ इंग्लिश वाला होगा, चाहे वो पैराग्राफ हिंदी वाला होगा, आपको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका प्रश्नों का उत्तर देना है, क्योंकि सीधे सीधे 5 प्रश्न जो होते हैं आपके हिंदी के और प्लस 5 प्रश्न आपके इंग्लिश के होते हैं, जो एक तरीके से एकदम हलवा जैसे होते हैं, जिसको आप आसानी से जो है टैकल कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कि 10 प्रश्नों में सीधे सीधे लीड आप ले सकते हैं, ठीक है, आप सोच लीजिए इस बात को। चलो पढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं, अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक, इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसके अलावा हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र क्या है, सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और वाली बन गई है, यानी कि मुंह में कुछ और बगल में, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है ना, तो इसमें कर लीजिए इसको हम में होगा। ये हो गया आपका पैराग्राफ, अब इसी के आधार पर आपको जो है 16 से लेकर के 20 तक के जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर आपको देना है। आइए हम लोग देखते हैं फटाफट, यह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि अब इस प्रश्न को आपने पढ़ा, सीधे पीछे जाइए, बैक जाइए और वहां पर पैराग्राफ को देखिए और उसके आधार पर आप बताइए कि इसमें से उत्तर क्या होगा। हम फटाफट उत्तर पर बात करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके इसको देख सकते हो आसानी से, ठीक है, क्योंकि ऐसे फिर नहीं तो लेट बहुत हो जाएगा। चलो क्योंकि पार्ट टू भी सीसेट का आना रहेगा, मैथ रीजनिंग का। तो बेसिकली इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है भाई साहब, यानी कि असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं, यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग, मैं तुरंत उत्तर नहीं बताऊंगा, आप लोग जो है एक बार पैराग्राफ को पढ़ के इसका देख लीजिएगा, ओके। चलो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, शीर्षक अर्थात जिसको हम टाइटल बोलते हैं, ये बहुत ध्यान से आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे फिर उसका जो निचोड़ होगा, जो उसका मिड पॉइंट होगा, कोर पॉइंट होगा, वही उसका क्या होता है, शीर्षक होता है। तो ऐसी स्थिति में पैराग्राफ को ठीक ढंग से आपको समझना है, फिर उसके बाद जो है ऑप्शन में से शीर्षक को ढूंढना है कि बेसिकली इसका शीर्षक क्या होता है, ठीक है। बहुत नजदीकी जो पॉइंट होगा एकदम से सटीक, वही वाला ऑप्शन इसमें सही होगा।
तो इस हिसाब से जो बताइए क्या होगा, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है, निष्ठा एवं विश्वास सार्वजनिक जीवन या दिखावा। तो सिंपल सी बात है, जो पैराग्राफ है उसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए वाला ही फिट बैठता है, यानी कि पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य, यही क्या है इसका शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है? बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता है कि आप इसको नहीं बता पाओगे, ये तो पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे तब भी आप बता ले जाओगे, ठीक है। तो उस हिसाब से जो इसका उत्तर होगा क्या होगा, भैया जी लोग बताओ मुझे इसका सही उत्तर, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंह में कुछ और मन में कुछ और। बहुत सारे लोग आपके दोस्त लोग होंगे जो आपके सामने चापलूसी करते होंगे और बाद में आपकी क्या करते होंगे, बुराई करते होंगे। ध्यान रखना ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, दूर रहना है। एक विशेष बात यहां पर और ध्यान रखना है कि कम से कम रिश्ते बनाओ, ठीक है, लेकिन वो एक रिश्ता दो रिश्ता आपके हजार रिश्तों से क्या हो, बेहतर हो, जो आपके हर सुख और दुख में क्या हो, काम आए, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो हम छलने की कला का उपयोग बेसिकली कैसे करते हैं, खुलकर करते हैं, कोई समस्या हमको नहीं आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बाकी ये तीन के तीनों क्या है, रॉन्ग है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का ये पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे इन चारों ऑप्शंस को, भाषा को, सरलता को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, तो पाखंड और दिखावे को हमने अपने जीवन का क्या कर लिया है, अभिन्न अंग बना लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब आगे हम लोग किस पे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम सॉल्ट ऑफ द अर्थ? बताओ इसकी भैया क्या होगी मीनिंग, बताओ। ए सेल्फिश पर्सन, ए ड्राई पर्सन, ए यूजलेस पर्सन, ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, यही होगा भैया डी वाला। डी वाला इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, किसका मतलब सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये क्या है बेसिकली आपको इसका आइडियम था, ठीक। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। मैंने कई बार कहा है कि प्रीपोजिशन से प्रश्न आते हैं, प्रीपोजिशंस को, एब्जेक्टिव को, ठीक है, इनको सबको क्या करना है, रेडी कर लेना है आपको अच्छे तरीके से, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो प्रीपोजिशन हो गया, आल्सो कंजक्शन, ठीक है, तो यहां पर क्या इस्तेमाल होगा, ही इज जूनियर डॉट 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 मी डॉट एट सर्विस, तो यहां पर प्रयोग होगा भैया इसमें से जो चार ऑप्शन है इसमें से डी वाला ऑप्शन, यानी कि यहां पर फिल होगा आपका टू, क्या टू, और यहां पर फिल होगा आपका आई एन इन, तो ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, बस यही हो जाएगा इसमें। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, Which of the following is wrongly क्या spelled? यानी कौन सा इसमें गलत लिखा है? A, देखो ये चार मीनिंग है, इसमें से अगर आप सही से पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका C वाला है, कौन सा C वाला, ये भैया जी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप फटाफट इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, तो यानी कि अगर इसकी स्पेलिंग हम लोग सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बी एस A B S C E डबल S, डबल S यहां पे नहीं था, बस यही हो जाएगा सही उत्तर आपका, और इसका मतलब क्या होता है, फोड़ा, क्या फोड़ा, फोड़ा, और बाकी के जो शब्द बच रहे हैं आपके पास A B एंड D, इसका मीनिंग क्या होता है मुझे अगर पता है आप लोग तो बताना, तो A की मीनिंग होती है सहमत होना, क्या A का मतलब क्या हो जाएगा, सहमत होना, सहमत होना, और अब बी वाला बताओ आप लोग क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके, रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है, फटाफट बताओ मुझे बी का उत्तर क्या होगा, बी का उत्तर हो जाएगा सहायक, सहायक, और अब बच रहा है थर्ड वाला, अब बताओ डी वाले का क्या होगा उत्तर, भैया जी बताओ मुझे मीनिंग, वर्ड मीनिंग जो है क्या करो आप लोग रेडी कर लो, ठीक है, पांच पांच मीनिंग याद करो, याद हो जाएगा, तेज करना, फास्ट, ठीक है, क्या तेज करना, तेज करना, बस हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन, अब यहां पर कंजक्शन पूछ लिया, ठीक है, बताओ क्या होगा, सी मस्ट वीप, सी विल डाई, ठीक है, यानी कि उसका, उसके लिए रोना जरूरी है, फिर उसके बाद क्या होगा, एंड बट बिकॉज और, ठीक है, सी मस्ट वीप और सी विल डाई,
उसको रोना क्या जरूरी है, ठीक है, या वो मर जाएगी। ओके, तो और होगा इसमें क्या सही उत्तर भैया जी लोग, जिसको आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। पॉइंट आउट ऑफ सिनोनिम ऑफ, देखो इसका आपको क्या करना है सिनोनिम बताना है भैया जी लोग, एंटोनिम्स और सिनोनिम यानी कि इसका समानार्थी बताना है कि क्या होगा। तो इसका इसके लिए पहले इसकी आपको क्या करनी होगी, इंग्लिश पता होनी चाहिए, सॉरी हिंदी पता होनी चाहिए, तभी आप इसका सिनोनिम शायद बता पाओगे, या इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा आपको हिंदी में पकड़ होनी चाहिए। तो इसकी जो हिंदी होती है क्या होती है, नष्ट होना, क्या नष्ट होना, क्या नष्ट होना। और अब मुझे बताओ कि इसमें से क्या होगा इसका सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी। तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा भैया जी लोग, ब्रोकन या लोअर डाउन या फिर वीक या फिर ये वाला सी वाला ऑप्शन, बताओ मुझे सही उत्तर, भैया सी वाला ही सही उत्तर हो जाएगा, क्या सी इज द राइट आंसर। ब्रोकन मतलब जानते ही होगे, है ना, ब्रोक कर देना, वीक का मतलब ही आप जानते होगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानते होगे, ठीक है, और लोअर डाउन लोअर डाउन मतलब कम होना, बस हो गया, ठीक है, चलो बस यही सिमिलर हो जाएगा। ये तो कहोगे सर जी बताए नहीं, बर्बाद होना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बर्बाद होना। ओके चलो आगे बढ़ो, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ आइडम डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, बताओ भैया जील। तो क्या है फिर, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से क्या है सही आपको भैया जील क्या करना है, बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटिसाइज, यानी कि डू नॉट ऑलवेज पिक अप होल्स, क्या मतलब हो जाएगा क्रिटिसाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, समवन स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन द अमेजिंग वे इज नोन एज, क्या जैप जोम्बी या जैनी या फिर जेट, बताओ भैया जी, जैम जैमी जैपू, सुने नहीं सुने कभी, जूनियर जी देखा नहीं देखो जूनियर जी, तो कुछ उसी प्रकार का ये जो है ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर क्या सी इज द राइट आंसर, क्यों सा सी इज द, अच्छा ए जैप जो लिखा इसकी हिंदी क्या होती है, क्या किसी को पता है इसकी हिंदी क्या होती है, अगर इसकी हिंदी बताए तो बताओ, ठीक है चलो। नेक्स्ट है, अब पैराग्राफ आ गया जिसका उत्तर आपको देना है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग देंगे इसका उत्तर 28 to 32, यानी कि लगभग लगभग 5 क्वेश्चन। ओके पैराग्राफ को एक बार आप लोग पढ़ लो प्रॉपर तरीके से, क्या पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, क्योंकि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि जो इसके आधार पर जो क्वेश्चंस बनेंगे उसका क्या करना है आपको आंसर देना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद वीडियो को देखिए, मतलब पढ़िए इस पूरे पैराग्राफ को, फिर हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, ठीक है, फटाफट हम लोग क्या करेंगे आंसर देखेंगे इसका। चलो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बताना है आपको एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो चारों ऑप्शन को अगर आप पढ़ोगे ध्यानपूर्वक तो इसमें से जो आप पाओगे जो ऑप्शन नंबर ए वाला है। अच्छा, इसके पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप वीडियो को पॉज करिएगा फिर उसको देख लीजिएगा कि इसका एग्जैक्ट वहां पर पैराग्राफ में क्या दिया गया है, ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा, बट मैं आंसर बताते हुए चल रहा हूं आपको जल्दी जल्दी। तो ये वाला ऑप्शन यानी कि इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं आश्रित होते हैं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ए स्ट्राइक जनरली रिगार्डेड एज, यानी कि जो भी स्ट्राइक्स होती हैं वो किस लिए होती हैं, यानी कि जो हड़ताल होती है बेसिकली। तो अगर आप चार ऑप्शन को देखोगे तो क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है यानी कि एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, इसी के लिए क्या होता है स्ट्राइक वगैरह होती रहती है, ए स्ट्राइक इज जनरली रिगार्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द फ्रेज दिस पर्टिकुलर मैटर रिफर्स टू, क्या होगा भैया इसका सही उत्तर, जरा बताओ मुझे आप लोग फटाफट इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा जल्दी जल्दी मुझे बताओ, आइडियम एंड फ्रेजेस आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है बताओ क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, सिंपल सी बात है, ये तो आपके उसमें लिखा हुआ है, ठीक है आगे बढ़ो। इन द लाइट ऑफ द पैसेज
इफ देयर इज ए स्ट्राइक इन ए शॉप फैक्ट्री इट मे बी व्यूड एज, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, नॉट ए सीरियस मैटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, क्या होगा इसका सही उत्तर बताओ मुझे, जल्दी से इसका उत्तर बताओ और देखो पैराग्राफ को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, फिर मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्ट्राइक में बी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, चलो अब आ गए हम लोग थोड़ा सा इस पे, किस पे? कम्युनिकेशन वाले पे। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, कई सारी क्लासेस में हमने आपको बताया कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन हमने आपको बताया कि जब दो लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, संप्रेषण कहते हैं उसको, बातचीत कहते हैं। और संप्रेषण के दौरान कई प्रकार की चीजें क्या होती हैं, दिक्कत करती हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि शोर हो गया, पूर्वाग्रह हो गया। ठीक है, हमने बताया कि नहीं बताया आपको कि भाई क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक व्यक्ति क्या है, ए है, दूसरा क्या है, बी है, इनके बीच में क्या होगा, बातचीत होगी, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग कम्युनिकेशन, अर्थात इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, संप्रेषण। ठीक है, और इसी संप्रेषण के दौरान क्या होगा, कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रेषक बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम लोग प्रेषक, और ये क्या है, ये है आपका रिसीवर, यानी कि मतलब जो श्रवण करता है, यानी कि जो सुनने वाला है। ठीक है, तो अब ए वाला अगर इससे कोई बातचीत कर रहा है तो कई बार क्या होगा, इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, कई प्रकार की बाधाएं अर्थात बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। जैसे कि बैरियर्स के रूप की अगर हम बात करें तो जैसे शोर हो गया, यानी कि जो नॉइज प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है। ठीक है, क्या शोर, क्या शोर, इसके अलावा, शोर के अलावा आप पूर्वाग्रह, यह भी होता है, क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो ये वाला भाई साहब इनकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे। जैसे मैंने उदाहरण मैं हर दिन मैंने यही दिया है कि अगर आप मेरे प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो आप अनवांटेड कमेंट करोगे, कुछ भी बोलोगे। ठीक है, कहोगे सर नहीं पढ़ा पाते, मैं कितना ही अच्छा लेक्चर दूंगा लेकिन आप कहोगे नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्वाग्रह रहेगा। या कोई किसी फ्रेंड को आप कोई अच्छी बात बताते हो तो फ्रेंड आपके बारे में अगर पहले से ही उसके मन में निगेटिव थॉट्स हैं तो ये कम्युनिकेशन आपके बीच में अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कितना ही अच्छा इसको समझाओ इसके मन में आपके बारे में सही से नहीं सुनाई देगा, या वो आपकी बातों को सुनता ही नहीं है, श्रवण ही नहीं सही से करता है, तो भी क्या होगा, दिक्कतें होंगी। फिर इसके अलावा हमने आपको इंटरपर्सनल स्किल, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये सब हमने आपको फर्स्ट वाली क्लास में आपको बताया था। तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहली वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद सारे के सारे पीआरक्यूज को करिएगा, फिर देखिएगा आपको फायदा होता है वहां से। ठीक है, चलो तो आइए हम लोग फटाफट देखते हैं इसको। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। ए, फर्स्ट, क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है, क्वेश्चन मार्क। सेकंड, क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है, क्वेश्चन मार्क। अब क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संकेतों के उपयोग करके सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन बनेगा कि केवल फर्स्ट प्रासंगिक है, यानी कि क्या केवल यही सही है, या नहीं, मतलब फर्स्ट और सेकंड प्रासंगिक है, नहीं फर्स्ट और, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको हटा दो, केवल सेकंड प्रासंगिक है या फिर दोनों, यानी कि फर्स्ट और सेकंड प्रासंगिक, यानी कि दोनों सही है। बिल्कुल सही जवाब, यानी कि डी वाला ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, दोनों ही प्रासंगिक हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी, इसलिए डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से रोक करके, वीडियो को रोक करके समझो इसको। ठीक है, चलो, क्या आपको काम करना पसंद है, यह प्रश्न एक उदाहरण है किसका, खुला प्रश्न या नकारात्मक प्रश्न, बंद प्रश्न या सकारात्मक प्रश्न। तो क्या आपको काम करना पसंद है, यह बेसिकली बंद प्रश्न होता है, क्या बंद प्रकार का प्रश्न है, और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बंद प्रश्न से कई बार आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा है। ठीक है, जहां पर क्या है, क्या आपको काम करना पसंद है, तो यहां पर कोई उत्तर मिलना हो, ठीक है, ठीक है, तो वो बंद प्रकार का प्रश्न होता है। ठीक है, जैसे मिलना पसंद है, नहीं है, क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ हो तो बेसिकली बंद प्रकार के प्रश्नों में आएगा। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेस रिलीज, जो प्रेस रिलीज होता है वो किस प्रकार का संचार है, प्रेस रिलीज जो होता है वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, सार्वजनिक है, अंतर्वैयक्तिक है, अंतः वैयक्तिक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि पब्लिकली है या इंटरपर्सनल है या इंटरपर्सनल है या फिर नन ऑफ दीज, तो भैया ये क्या है, पब्लिक है,
प्रेस नोट जो रिलीज किया जाता है पब्लिकली जारी किया जाता है, पब्लिकली कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर कहीं पर क्या होता है बारिश हो गई होती है तो डीएम आदेश देते हैं, तो जो डीएम आदेश देते हैं वो प्रेस रिलीज होता है। क्या होता है? प्रेस रिलीज होता है जिसमें चीजें साफ तौर पर कही जाती हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर सरकार व्यापक स्तर पर जो है जानकारी लोगों को देती है, दैट्स कॉल्ड प्रेस रिलीज। और वो क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए तो प्रेस रिलीज होता नहीं है, प्रेस रिलीज बेसिकली समाज के बड़े दायरे के लिए रिलीज किया जाता है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो पब्लिकली होता है, अर्थात वो सार्वजनिक होता है, अर्थात सभी के लिए होता है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। चलो नेक्स्ट है, तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण कौन सा है? तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम निर्णय कौन सा है? यानी कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें जो है क्या होता है, आपको अंतिम जो उसका पद होता है वो कौन सा होता है? तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर आप पहले देख लो, आप ऑप्शन क्या है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन होगा सही, या विकल्प का मूल्यांकन, या विकल्प का चयन, या विकल्प का पहचान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वोत्तम विकल्प का चयन। सिंपल सी बात है, अगर कोई आप क्या कर रहे हो, कोई तर्क संगत निर्णय ले रहे हो, उसमें लास्ट जो आपका वो होगा पॉइंट होगा वो क्या होगा, बेस्टेस्ट जो आपका होगा ऑप्शन, यानी कि सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होगा। जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था, आज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा कि ए बी सी और डी ऑप्शन आएगा, तो हिंदी वगैरह में अक्सर होता है कि बी और सी में या ए और सी में या किसी दो ऑप्शन में सिमिलरिटीज होगी उत्तर में, यानी कि लगभग लगभग दोनों सही होंगे, लेकिन जो सबसे नजदीक का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा उसी को टिक किया जाता है, वही सही उत्तर होता है। तो इसी प्रकार से जब आप किसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर रहे होगे तो जो सर्वोत्तम विकल्प होगा उस ऑप्शन का वही आप क्या करोगे, चूज करोगे, राइट। ध्यान रखिएगा इसको, आगे बढ़ो। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? आमने सामने संचार, या शाब्दिक संचार, या विकल्प संचार, या फिर लिखित संचार? तो जो डेल्फी तकनीक होती है बेसिकली उसमें क्या होता है, डेल्फी तकनीक में बेसिकली लिखित संचार होता है, जिसमें चीजें जो संचार होता है, जो चीजें होती हैं लिखित रूप में होती हैं, चाहे वो फैक्स के रूप में हो, चाहे वो लेटर के रूप में हो, चाहे किसी अन्य रूप में हो, तो डेल्फी तकनीक में क्या होता है आपका बेसिकली लिखित संचार होता है, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरवैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है? कौन सा? सकारात्मक सोच, प्रशासनिक शक्ति, तदनुभूति, या शिष्टाचार? सिंपल सी बात है, बहुत आसान है भैया, ये प्रशासनिक शक्ति ये नहीं होगा, बाकी जो इंटरपर्सनल जो आपका जो क्रिया होती है उसमें सकारात्मक सोच जरूरी होता है, तदनुभूति, ठीक है, यानी कि एम्पैथी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी, इसको क्या बोलते हैं, शिष्टाचार। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है जो आपके UPSC के इथिक्स में पूछा था, एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी, या इस पर किसी पर नोट्स लिखने के लिए आता है, शॉर्ट नोट्स, तो इसको याद कर लीजिएगा, इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कभी आप बैच वगैरह ज्वाइन करोगे तो वहां पर जो है आपको, मैं इथिक्स पढ़ा रहा हूं, वहां पर आपको चीजें मालूम चलेंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। खैर चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला सही है, सी सही है, डी सही है, यानी कि अंतरव्यक्तिक पारस्परिक क्रिया के लिए ये ए सी और डी ऑप्शन सही है, बाकी ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट है, आप एक क्या है, पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं, ठीक है, और आप निम्नलिखित में से पहले किस परिस्थिति को संभालेंगे, यानी कि आप जो है अधिकारी हैं, किसी मेले में आपके ड्यूटी लगा दी जा रही है, वहां पर कुछ घटनाएं घटित होती हैं, और तो पूछा कि आप जो है बेसिकली उन घटनाओं में से किस पर आप पहले फोकस करोगे, ठीक है। पहले घटना सुनिए, ए ऑप्शन है कि दो निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे हैं, किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई है, आप इनको हटाओगे, खत्म करोगे, या फिर नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया है और टिकट खिड़की के पास पड़ा था, यानी कि जहां पर आप टिकट लेते हैं वहां पर कोई नशे में है और वो एक्सपायर कर गया है, तो आप वहां पर जाओगे उसको ठीक करोगे, मतलब उसको हॉस्पिटल ले जाओगे या जो भी कुछ करोगे, ठीक है, या फिर डेड बॉडी को संभालोगे, या फिर मुख्य तंबू में पैवेलियन के बगल एक कचरे के डिब्बे में क्या हो गई है, आग लग गई है, क्या आप इस सिचुएशन को पहले संभालोगे, या फिर चरखी झूला जिस पर लोग बैठे थे जब ऊपर हवा के मध्य था टूट गया, तो अब आप बताओ कि इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है, किस पहले सिचुएशन को आप टैकल करना चाहोगे, उसको शॉर्ट आउट करना चाहोगे, बताओ, दिमाग लगाओ। तो सिंपल सी बात है भैया जी, लोग आप जो है
सी वाले ऑप्शन को चुनोगे क्योंकि इससे व्यापक स्तर पर हानि हो सकती है। जैसे झूला था, ठीक है, झूला ऊपर गया टूट गया, तो माना कि इस पर 40 लोग सवार थे, तो टूट गया तो 40 लोग गिरेंगे, तो या तो आधे लोग क्या हो जाएंगे, टूट फट जाएंगे, गिरेंगे तो झूलने का शौक था, गए थे झूलने तो गिरेंगे, सिंपल सही बात है, टूटेगा फूटेगा गोड़ हाथ अपना पैर हाथ जो भी होगा, या कुछ लोग हो सकता है मे बी एक्सपायर हो जाएंगे दो लोग। लेकिन यदि ये जो मुख तंबू में जो लगी जो आग है पवेलियन में, ठीक है, अगर इस पर अगर कंट्रोल नहीं पाया गया तो ये जो है आग पूरे मेले को कवर कर लेगी और व्यापक स्तर पर जो है क्या कहते हैं, लोग मारे जाएंगे और व्यापक स्तर पर नुकसान होगा। इसलिए आग बहुत तेजी के साथ फैलती है, इसलिए क्योंकि जो जहां पर चीजें उसको शॉर्ट आउट तुरंत हो जाएंगे, उससे व्यापक हानि नहीं होगा, लेकिन आग एक ऐसी चीज है जहां से व्यापक स्तर पर नुकसान हो सकता है। ऐसे में आप जो है पहले इस पर फोकस करोगे, सी वाले ऑप्शन पर, ठीक है ना। तो कल को जब आप आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, कल को आप कोई एसडीएम बन जाओगे, है ना, तो अगर आप ऐसे सेशन में रहोगे तो कुछ इस प्रकार का डिसीजन आप लोगे। ओके, ये सब प्रकार के प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है, कौन सा, तो कलानुक्रमिक, सांस्कृतिक, भौतिक या सामाजिक। सिंपल सी बात है, सामाजिक होगा, सोशल होगा, जो भी संप्रेषण होता है बेसिकली दो लोगों के बीच में वो सोशल ही होता है, ठीक है, उस पर सोशल जो फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वो बेसिकली सामाजिक होगा, याद रखिएगा इस बात को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभिनति, अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना है कहलाता है, क्या कहलाएगा, आत्मविश्वास, विश्वास, अतिविश्वास है इनमें से कोई नहीं, तो ये कहलाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अतिविश्वास, इसको क्या बोलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस। और क्या पूछा है प्रश्न, प्रश्न पूछा है कि अभिनेता का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना क्या कहलाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर उस शब्द ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो एक बार यहां पर आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको समझ लो कि आप क्या करिए, अपने एग्जाम को लेकर के क्या रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए कि भैया हाँ मुझे अपने पर भरोसा है, मैं यह एग्जाम निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है, कहीं का नहीं रखता है, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सुनने की प्रक्रिया में निहित है, क्या होता है सुनने की प्रक्रिया में, क्या निहित होता है, मतलब कितने चरण निहित होते हैं सुनने की प्रक्रिया में, निहित होते हैं 4 चरण, 7 चरण, 5 चरण या फिर 6 चरण, बताओ जल्दी इसका उत्तर क्या होगा सही से। तो इसका उत्तर सही से हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर क्या, 5, क्या, 5वां, यानी कि सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 5 चरणों में से पहले क्या होगा, श्रवण होगा, ठीक है, श्रवण के बाद क्या होगा, फिर आप समझ का पहले सुनोगे, फिर अंडरस्टैंड करोगे, उसके दूसरा चरण हो जाएगा, फिर तीसरे चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में चरण हो जाएगा मूल्यांकन, ठीक है, समझोगे फिर उसका मूल्यांकन करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे, और फिर क्या होगा बताओ, फिर होगा आपको जो है याद करने का चरण होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, प्रतिक्रिया का चरण होगा, यानी कि एक तरीके से आप उस पर फिर अपना रिस्पॉन्स करोगे अपनी चीजों को। तो 5 चरण होते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कहीं पर 6 चरण दिए होते हैं, तो उसको भी एक बार आप लोग बुक में अगर दिया होगा तो देख लीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, निर्णय लेने में क्या है, निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, क्या रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, सत्यापन, प्रस्ताव, तैयारी, प्रदीपन, तो बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो निर्णय लेने में जो ये रचनात्मक प्रक्रिया है उसका चरण जो है प्रस्ताव की पहचान ये वाला नहीं होगा, बाकी आपका जो है ये वाला हो जाएगा, यानी कि सत्यापन हो जाएगा इसमें, ठीक, फिर तैयारी हो जाएगा, ठीक, फिर इसके बाद प्रदीपन हो जाएगा, और एक चरण इसमें नहीं लिखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्धवन बोलते हैं, क्या उद्धवन, क्या उद्धवन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनक्यूबेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इनक्यूबेशन बोलेंगे, ये इसमें नहीं है। तो ए सी डी के साथ में इनक्यूबेशन भी आप क्या करिएगा, एक ऑप्शन जो है बना के क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, इनक्यूबेशन, INCUVATION, इनक्यूबेशन, उद्भवन, ठीक है, ये नहीं है, इसको ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका। ओके, चलो, यानी कि निर्णय लेने में जो है जो रचनात्मक प्रक्रिया का चरण है वो क्या है, बेसिकली 4 हो जाएगा, सत्यापन, तैयारी, प्रदीपन और इनक्यूबेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, आपके आरओ एरम भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है।
तो प्रश्न विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा भैया पहले नंबर हो जाएगा तीसरा, मतलब शीर्षक लिखेंगे, बिना शीर्षक के तो आप लिखोगे नहीं, तो पहला हो जाएगा क्या आपका शीर्षक, यानी कि एफ हो जाएगा आपका एक नंबर, क्या हो जाएगा आपका एक नंबर पे, इसको कर लो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा शीर्षक के बाद क्या हो जाएगा क्या हुआ, ठीक है, मतलब दो, ठीक है, क्या दो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका जो है आईबी या कब हुआ, यानी कि जो है इसको कर लीजिए आप क्या एक दो तीन पर, ठीक है तीन पर, और फिर कर लीजिए सेकंड वाला हो जाएगा बस। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3142, क्या 3142 यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह, उपलब्धता पूर्वाग्रह या एंकरिंग पूर्वाग्रह, यही वाला सही उत्तर होगा एंकरिंग पूर्वाग्रह, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एंकरिंग पूर्वाग्रह, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको याद रख लेना है भाई साहब, पॉइंट के फॉर्म में नोट्स के बना लेना है इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है भैया जी बताओ मुझे फटाफट, समस्या का आकार, समस्या का समानता, समाधान की जटिलता या समस्या स्थिति का संगठन, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाधान की क्या जटिलता हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है किससे, शोर के रूप में भाई साहब, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न शोर से संबंधित, इसलिए आपको याद रखना है इसका, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो पूछा क्या था, संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है, शोर से जाना जाता है इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, किस संचार में एक भावनात्मक अपील है, कौन सा ऐसा संचार इसमें भावनात्मक अपील होती है, जन संचार में, अंतर्व्यक्तिक संचार में या फिर अंतर्व्यक्तिक कम्युनिकेशन में, सिंपल सी बात है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भावनात्मक अपील होती है अपने आप में, जानते हो पढ़े होंगे, थ्योरी है अपने आप में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी वाला, ठीक है, इसको सी वाला होगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषताओं से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन सा है वो, अवप्रेरणा कारक, समाधान के पदों की सामान्यता या विन्यास चर या पूर्व अनुभव और अभ्यास, तो यही वाला बी वाला ऑप्शन, समाधान के पदों की सामान्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में क्या है बाधा नहीं है, कौन सा ऐसा, तो शोर बाधा होती है भैया संचार में, संस्कृति बाधा आ सकती है, भाषा बाधा हो सकती है, लेकिन रंग क्या है बाधा नहीं है आपके, रंग से कोई इसका संबंध नहीं है, जबकि ये सब क्या है, ये सारी की सारा भैया संचार में क्या है बाधा है, बैरियर्स हैं आपके, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, कथन फर्स्ट है, संचार अपरिवर्तनीय है या संचार स्थिर है, अब बताइए आप लोग, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है, केवल कथन फर्स्ट सत्य है या दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है, या कथन केवल कथन दो सत्य है या दोनों कथन एक और दो सत्य है, भैया जी लोग यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो दोनों ऑप्शन से कथन दिए गए हैं, दोनों कथन दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों क्या है सही है, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्या डी इज द राइट आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है, तो यह हो जाएगा भैया इसमें से 30%, 40%, 55% या 50%, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अशाब्दिक जो आपका कम्युनिकेशन होता है क्या होता है, अशाब्दिक कम्युनिकेशन में जैसे आपका डांस हो गया, नृत्य हो गया, ठीक है, कई अन्य विधाएं होती वो भी आती है, जिसमें हम अपने भाव भंगिमा क्या शरीर का, शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करने में, ठीक है, तो वो ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है, समाधान की, संप्रेषण की, मनोदशा की, समस्या की, समस्या की, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कई बार इसको हमने कराया प्रश्न को। नेक्स्ट है, निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है कब, मानसिक विन्यास से, प्रत्यक्षीकरण से, अमूर्तता से, बुद्धि से, सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर बी वाला ही इसका सही होगा, सही होगा, यानी कि प्रत्यक्षीकरण से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इसको, ठीक है, यानी कि परसेप्शन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की
व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृति शैली नहीं है, आक्रामकता, प्रहसन, ढृढ़ता या अनुनयन, तो ढृढ़ता। और यह प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो इसको क्या करिएगा, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा, किसका लिए, इंपॉर्टेंट के लिए, तो ढृढ़ता हो जाएगा इसका क्या सही आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है, तो नियमित उपागम या रचनात्मक उपागम या मात्रात्मक उपागम या वैज्ञानिक उपागम। तो भैया जो आपका नियमित उपागम है उस नियमित उपागम में ये चीज होती है, तो ये भी आपको याद करना है, नोट कर लो वन लाइन फॉर्म में कि क्या निर्णय लेने के नियमित उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल किया जाता है, यही नोट कर लो अपनी कॉपी में। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं, इसको नोट कर लो भैया, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा काम। अब यही सारे पॉइंट आप नोट करते रहोगे, यही सारे पॉइंट आपके कम्युनिकेशन के क्या हो जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है, तो निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी, एक मस्तिष्क दो से बेहतर है, या समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया, या सभी सदस्यों के बीच सहमति यानी कि मतैक्य। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक मस्तिष्क दो से बेहतर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है, तो यह विशेषता क्या है, नहीं है, बाकी की विशेषता है ए सी डी विशेषता है, जबकि बी वाली विशेषता नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है, ड्रेस कोड जो होता है, तो बोले जाने वाली, ठीक है, या मौखिक या अशाब्दिक या लिखित। सिंपल सी बात है भैया, अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, अशाब्दिक यानी ड्रेस कोड कुछ इंगित करता है, कम्युनिकेट करता है। कहा जाता है जैसे खेल दिवस, आज खेल दिवस है तो आपको यह ड्रेस पहन के आनी है, आज फला डे है तो आपको यह ड्रेस, यानी कि उस ड्रेस जो कोड होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है जो है सामने वाले को कि भाई आज ये ड्रेस पहनी है तो इसका मतलब ये हो गया। तो इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब हमने आपको समझाया हुआ है, ठीक है, इसलिए आप विगत जो हमने पीआरक्यू आपको कराए हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा हो गया, तो ये थे हमारे कुछ क्या क्वेश्चंस 2022 के। अब हमारे पास मात्र 2023 का जो है पीआरक्यू बचा हुआ है, बाकी 2024 तो अभी परीक्षा होने वाली है 27 को, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग जो है, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग हिंदी पर विशेष फोकस कर लीजिएगा, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, और इंग्लिश में जो आपके पैराग्राफ दिए होते हैं उन पर आप लोग अच्छी पकड़ कर लीजिएगा, सीसेट आपका नहीं रुकेगा। इनफैक्ट अगर आपने पीवाईक्यूज को अगर अच्छे से अगर आपने कर लिया है तो भी आपका जो है सीसेट नहीं रुकेगा, यकीन मानिएगा, बस शर्त क्या है, आपको अच्छे तरीके से इसको करना है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि 2023 के पीवाईक्यूज के साथ, तब तक आप लोग बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा प्लीज आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।